Hello friends, so welcome to Learner's Planet. Friends, coded mathematical operations, बहुत interesting topic है, काफ़ी सारे exams में इस topic पर based questions आते हैं. Difficult नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो questions होते हैं, जैसे for example, plus को minus लिख दिया, minus को multiplication लिख दिया, या फिर उन्होंने कोई और जो भी numbers है या signs है वो decide कर दिए, जैसे कि suppose maybe P, Q, R, S, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको मल्टीप्लिकेशन और इसको डिवाइड कर दिया, या फिर जैसे डॉलर साइन है उसके बाद, या फिर जैसे एंड का साइन है, या जैसे स्टार है, या फिर जैसे हैश है, इसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी बता दिया. ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कई बार वो कोई और डेफिनेशन दे देते, जैसे ABC इज इक्वल टू समझो 6, ठीक है, या फिर BCD इज इक्वल टू 24. तो अब आपको क्रैक करना है कि बी सी डी की वैल्यू क्या हो सकती है. अगर ए बी सी 6 है, बी सी डी 24 है, तो डी की वैल्यू क्या होगी. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं. ठीक है, तो काफ़ी सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हम जो है सेशन में डिस्कस करेंगे. तो पेपर और पेन लेकर के रेडी हो जाओ, चलते हैं आगे. अभी फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था पी क्यू आर एस का, तो यहाँ पर लेकिन डेफिनेशन अलग है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर जो इक्वेशन हमको यहाँ पर दी हुई है उसको हम एग्जैक्ट जो पी क्यू आर एस एस की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो पहले लिखा 18, अब Q का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो अपन ने मल्टीप्लीकेशन लगा दिया. फिर लिखा 12, फिर P का मतलब है डिवीज़न, डिवीज़न का साइन बनाया, फिर 4 लिखा. ठीक है, फिर R का मतलब है प्लस, फिर प्लस किया, फिर 5 लिखा, फिर S का मतलब है माइनस या माइनस लगाया, और फिर 6 लिखा. ठीक है, अब ये रेगुलर मैथमेटिक इक्वेशन बन गई अपनी, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है. और इसको सॉल्व करने के लिए आपको किसका ध्यान रखना है, बोर्ड मास का. ठीक है, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे. ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या, 12 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 3, तो डिवीजन खत्म हो गया. 18 × 3 क्या हुआ, 54, 54 प्लस 5, या फिर आप 5 − 6 कर दोगे तो ये −1 आ गया. तो कुल मिलाकर के 54 − 1 आपका आंसर क्या आएगा, 53. ठीक है, तो आपने देखा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, खाली ध्यान से आपको जो सिंबल दिए हैं उनकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी, उनकी वैल्यू रख देनी है. तो आपको सिंपल एक मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है या इक्वेशन है जो वो आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको जैसे बोर्ड मास की तरह यूज करके उसको सॉल्व करना है. ठीक है, अब ये देखो ये थोड़ा अलग है, 1 × 3 × 5. ठीक है, इसको लिखा है 1925, और 7 × 9 × 11, 7 × 9 × 11, इसको लिखा है 4981121. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, वैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे. 1 1 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है. 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब हर डिजिट का स्क्वायर करके आपको लिखना है. और ये जो लॉजिक आपने सोचा उसको यहाँ पर वेरीफाई करो पहले, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लॉजिक आपने जो यहाँ सोचा है वो यहाँ पर भी अप्लाई होता होगा. तो वेरीफिकेशन के लिए पहले यहाँ पर अप्लाई करके देखो. तो 7 का 49 हुआ, 9 का 81 हुआ, और 11 का 121 हुआ. इसका मतलब हर एक नंबर का आपको स्क्वायर करके लिख देने का है. तो 19 का स्क्वायर होता है 361, 21 का स्क्वायर होता है 441. ठीक है, अब आगे अगर आपको देखने मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन देख करके भी ख़त्म कर सकते हो. 23 का स्क्वायर होता है 529, एक ही ऑप्शन ऐसा जहाँ पर लास्ट में 529 है, तो वो करेक्ट है. ठीक है, ए माइनस को बताता है, सी इसको बताता है. ठीक है, पहले से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहले आप इक्वेशन लिख लो. ये हुआ 14, सी बताता है मल्टीप्लीकेशन को, लगा दीजिए 3, ए बता रहा है माइनस को, फिर 12, ई प्लस को बता रहा है, फिर 4, डी डिवीज़न को बता रहा है, और 2. ठीक है, पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वापस हम क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे. 4 डिवाइड बाय 2 किया तो 2 आया, 12 ये है −12 और ये है +2, तो ये बचा आपका −10, ये पूरी इक्वेशन ख़त्म हो गई. 14 + 42 में से 10 गया 32. ठीक है, फटाफट से सॉल्व करना है, हर एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि पहले आप यहाँ पे 42 लिख रहे हो, फिर ये लिख रहे हो, फिर ये लिख रहे हो, फिर ये लिख रहे हो, और इस तरह से लिख रहे हो, तो टाइम और स्पेस दोनों वेस्टेज होगा. फटाफट यहीं पे काटा पीटी करके लिखो, जो रफ पेज आपको दिया होता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, वहीं पर उसी इक्वेशन में काटा पीटी करके फटाफट लिखो. ठीक है, जितना कम ये आगे आगे इक्वेशन लिखोगे उतनी स्पेस और टाइम दोनों आपका बचेगा.
अब देखो ये क्वेश्चन में कुछ और सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब वापस हम इसका मीनिंग नहीं पढ़ेंगे, पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। 107 इस साइन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 इस साइन का मतलब है माइनस, 64 लिख दिया, फिर अल्फा, अल्फा का मतलब है डिवीज़न, 8 लगा दिया, इस साइन का मतलब है माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया 2, फिर इस साइन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और फिर 9। अब आपको क्या करना है, वापस वही बोर्ड मास यूज़ करना है। तो 64 डिवाइडेड बाय 8 ये हो गया 8, और 9 इंटू 2 18, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 18 और 8 टोटल में आपको 26 जो है वो माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया 107 इंटू 3, मतलब कि 321 में से 26 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि 320 में से 25 आपको घटाना है, ठीक है। तो 20 कम किया 320 में से, 300 आया, और 5 कम किया 295। एकदम फास्ट कैलकुलेट करना है हमें। एट ए का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 सी का मतलब प्लस, 24 बी का मतलब डिवीज़न, फिर 12 डी का मतलब माइनस, और फिर 19, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 19 ये हुआ माइनस का 17, आरतिया 24 माइनस 17 कितना हुआ 7, ठीक है। पी वापस इसी तरह का है, 44 क्यू का मतलब है मल्टीप्लिकेशन लगा दिया 9, फिर आर का मतलब है डिवीज़न का साइन लगा दो, फिर 12 और फिर सॉरी फिर एस का मतलब क्या है माइनस, और फिर 6, फिर क्यू का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, फिर 4, फिर पी का मतलब है प्लस, और ये 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ 3 और 9 और 12 को कट करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये जो 4 है इस 44 से कट जाएगा 11, तो 11 इंटू यहाँ पर 3 बचा तो ये हो गया 33, तो ये कुल मिला करके हो गया 33। ये हो गया 6 चौक 24 और ये 16 प्लस का है, 24 जो है वो माइनस का है, तो माइनस का 8 बचा, तो 33 माइनस 8 मतलब कि 25, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का इंटू, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन है 2, अब डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पर प्लस, ठीक है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे डिवाइड की जगह हम क्या लिख देंगे प्लस, फिर 6 इंटू, इंटू का क्या मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर हमने वापस डिवाइड का साइन लगा दिया और फिर वापस 6 लिख दिया, फिर वापस डिवाइड है, डिवाइड का क्या मतलब है प्लस, तो मैंने वापस प्लस लगा दिया और फिर 2, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइड बाय 6 ये 1 हो गया, तो 2 प्लस 2 4 और 1 5, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, ठीक है, सिंपल है। यदि डिवाइड का अर्थ घटा है यहाँ पे लिख लेते, इसका मतलब ये है, माइनस का मतलब जोड़ना है, इनटू का मतलब डिवाइड करना है, और प्लस का मतलब इनटू है, ठीक है। तो अब अपने को ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही है। अब अगर चारों इक्वेशन को ध्यान दें तो सिंबल्स तो सब जगह सेम ही है, तो हमको करना क्या है, खाली कोई सा भी एक इक्वेशन उठा के सॉल्व कर देना है, जो जहाँ पे राइट हैंड साइड में करेक्ट वैल्यू आती है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो 35 तो है ही, 35 डिवाइड की जगह क्या लगाना है मुझे माइनस 4, माइनस की जगह क्या लगाना है प्लस, ठीक है 25, इनटू की जगह क्या लगाना है डिवाइड 5, और प्लस की जगह क्या लगाना है इनटू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 5 आया, 5 इंटू 5 ये हुआ 25, ठीक है, 25 में से 4 गया 21, और 35 प्लस 21 56, ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है, सिंपल। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, पर यहाँ पर क्या सब इक्वेशन अलग अलग है, ठीक है, तो हमको हर एक को सॉल्व करके देखना पड़ेगा जब तक कि करेक्ट आंसर नहीं मिल जाए। अब यहाँ पर माइनस का मतलब है भाग, तो और प्लस का मतलब है गुणा, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ, ये गुणा किया, ठीक है, माइनस का मतलब भाग किया, इनटू का मतलब प्लस किया, और
डिवीजन का मतलब माइनस किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो 100 इंटू ये जो कि 500 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि 50 हुआ, 50 प्लस 250 तो 300 हुआ, 300 में से 200 गया 100, तो ये वाला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एकदम ध्यान से आपको सॉल्व करना है। अब मैंने डायरेक्टली यहीं पे साइन रिप्लेस कर दिए, पर एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से कॉपी करके, और जब कॉपी करो तो जो साइन रिप्लेस करके ही आप कॉपी करो, जैसे मैं आपको बता देती हूँ ताकि गड़बड़ ना हो एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल मैक्सिमम एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं तो आपको पेपर पर लिखना पड़ेगा। तो 100 प्लस की जगह इंटू 5, माइनस की जगह डिवाइड, 10 इंटू की जगह प्लस, 250 डिवाइड की जगह माइनस 200, ठीक है। तो ये 5 डिवाइडेड बाय 10 आधा हो गया, तो 100 इंटू आधा मतलब 50 हो गया। ये 50 प्लस 250, या 250 में से 200 घटाया 50, और ये 50 100 हो गया, ठीक है, तो आ रहा है करेक्ट। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब ये इसी तरह के ए बी सी डी का मतलब दिया हुआ है, वहाँ पे आपको रख देना है। बाकी कोई सिंपल प्रॉब्लम है, ए का मतलब है प्लस, प्लस लगा दिया 2, बी का मतलब है इंटू, इंटू कर दिया 6, डी का मतलब है माइनस लगा दिया 4, और सी का मतलब है डिवीज़न का साइन, और ये 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, तो ये हो गया 2, 6 दुनी 12, 12 में से 2 गया 10, 10 प्लस 9 19, ठीक है। ये वाला आप खुद से ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए अभी इस तरह के हमने, तो सेशन पॉज करके आप खुद ट्राई करो, फिर एक्सप्लेनेशन देखना। 14, 14 एन का मतलब है गुणे का साइन, 10 एल का मतलब है प्लस करना, 42 पी का मतलब है भाग देना, फिर 2, और M का मतलब है माइनस और 8, ठीक है। एकदम ध्यान से लिखना। अब 42 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 21 आया, 21 और ये हो रहा है 140, ठीक है। 140 प्लस 21 माइनस 8, 140 प्लस 21 किया तो 161, 161 में से 8 घटाया तो 153, ठीक है। ये भी इसी तरह का, पर थोड़ा सिंबल डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा एक ट्राई कर लेते। 13, ये जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, जमा। ये जो स्टार है इसका मतलब है घटाना। परसेंटेज साइन का मतलब है गुणा। माइनस का मतलब है डिवाइड, 4, और ये स्क्वायर का मतलब है जमा वापस, 14, ठीक है। अभी कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 6 दुनी 12, ठीक है। ये हो गई कुल कैलकुलेशन 12 की। ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 14 है, तो ये कुल मिलाकर के प्लस का 2 बच गया। तो 13 और 3 16, और प्लस का 2 18, ठीक है। ये भी सिंपल है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। 175 माइनस का मतलब है डिवाइड करना, फिर 25, डिवाइड का मतलब है प्लस करना, 5, प्लस का मतलब है इंटू करना, 2, इंटू का मतलब है माइनस करना, 3, और प्लस का मतलब है इंटू करना, और 10, ठीक है। 175 डिवाइड बाय 25 किया तो 7 आया, 7 प्लस ये कितना है 10, ठीक है। 5 इंटू 2 ये पहले करना पड़ेगा, बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना। तो 7 प्लस 10 ये हो गया 17, तो ये हो रहा 17 माइनस 3, तो उसका आंसर एक्चुअली नेगेटिव आ रहा है, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो हो सकता है ऑप्शंस में गलती हो, बाकी प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप समझ आया होगा आपको। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है। 17 प्लस 17 की वैल्यू है 2895, 18 प्लस 18 की वैल्यू है 3245, 19 प्लस 19 की वैल्यू है 3615। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि तीनों में लास्ट में 5555 आ रहा है, और बाकी के जो तीन डिजिट हैं ये इस नंबर का स्क्वायर है ना। ये देखो 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। तो उसी फंडे पर अगर अपन जाएं, उसे लॉजिक पर जाएं, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और लास्ट में 5 अपने को लगा देना है, ठीक है, क्योंकि हर एक के एंड में 5 लग रहा है। तो 5295, ओके।
ये वापस थोड़ा सा अलग है, इसको भी देख लेते हैं। 5 × 4 × 0 का मतलब है 405, 3 × 2 × 8 का मतलब है 283। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि 5, 4, 0 डिजिट यही यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, खाली उनको और लिखने का जो ऑर्डर है वो अलग कर दिया है। पहले ये लिखा है 1, 2 एंड देन 3, यहाँ पर भी ऐसा ही, पहले ये लिखा है 1, 2 और 3। इसका मतलब, इसका क्या मतलब होगा, ये 7 सबसे पहले, उसके बाद में सेकेंड नंबर पर ये और लास्ट में ये, ठीक है। तो खाली लिखने का जो ऑर्डर है, डिजिट्स का जो ऑर्डर है वो खाली बदल दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस किस तरह से यह प्रेजेंटेशन होता है, तभी आप एग्जाम में जाकर के रिकॉल कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, 24 × 2 = 48 होता है और 32 × 3 = 96 होता है। इसने 48 को 84 लिख दिया है और 96 को उल्टा लिख दिया, 69 लिख दिया है। तो 13 × 3 वैसे क्या होता है, 39, पर इसको उल्टा लिख देने का है, मतलब कि 93, ठीक है। ये भी इस तरह का क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले किया, 4, 5, 8, 4, 5, 8, इन्हीं जो डिजिट्स हैं इनको इधर उधर करके लिखा हुआ है, बीच वाली यहाँ पर सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। इसमें भी पहले इसको, तो वही करना अपने को, 7, 3 और 9, ओके। तो काफ़ी सिंपल है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, कोडेड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आई होप अभी आपको समझ आए होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, अगले सेशन में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।